नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनल है। आप सबका हमारे किचन काउंटर में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं लशेदार रबड़ी। उसके लिए मैंने पैन गैस पे रखा है। हमें 1 लीटर दूध चाहिए। इस दूध को पहले हमें बॉईल करना है, उसके बाद हमें इसको गाढ़ा करना है 1/3। जब तक हमारा दूध हो जाए तभी तक 30 से 35 मिनट हमें गाढ़ा करने में लगेगा। साथ ही साथ हमें ये इलायची का पाउडर भी साथ में डालना है और हमें इसको बॉईल करना है दूध को। हमें कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। अभी हमारा दूध आधा हो गया है। इसको इस स्टेप पे अभी हम 1/4 कप शक्कर डालेंगे, क्योंकि रबड़ी हमें ज्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए हमें इसमें हम 3 चम्मच तक भी शक्कर डालेंगे, नहीं तो 1/4 कप इसको मलाई नहीं जमने देंगे। और दूध को गाढ़ा करना है। अभी हमारे को पकाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गया है और 15 से 20 मिनट लगेगा। इसे हमें स्लो मीडियम गैस पे ऐसे ही चलाते हुए पकाते रहना है। इस टाइम पे हम ये काजू का, जिसको हमने 2 टेबल स्पून काजू है, थोड़े से डालेंगे, जैसे दूध थोड़ा जल्दी गाढ़ा हो जाए। थोड़े से बादाम भी डालेंगे, थोड़े से बचा के रखें, बाद में ऊपर से डालेंगे। अभी काजू और बादाम डालने से ये दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। हमें हल्का सा इसको ऐसे ही छोड़ना है, हल्का सा पतला, ये रखने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। हमें और 2-3 मिनट ही लगेगा। इसको ऐसे हमने मलाई को ऐसे मिलाते जाना है। जब भी हमारी रबड़ी इतनी गाढ़ी हो जाए तभी हमें गैस बंद करनी है, क्योंकि इधर अभी हमारी रबड़ी बन गई है। इसको हम 15 मिनट रखेंगे तो गाढ़ी हो जाएगी। इसके ऊपर अभी हम ड्राई फ्रूट डालेंगे और गैस बंद करके ड्राई फ्रूट डालने हैं। बन गई हमारी रबड़ी। अभी हम इसके ऊपर ऐसे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते से हम इसको रबड़ी को सजाएंगे। आप इसे इसी तरह से बनाइए और खाइए और हमें बताइए ये आपको कैसे लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।